लगिया ने मोजा गुण लाई रखी सोनिया लगी। हाँ, ये जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। मिस्री शाह की तारीख में पहला अजीम शान जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर प्रोग्राम। प्रोग्राम में सूबाई वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान, MNA परवेज मलक, MP गजाली सलीम भट्ट, चौधरी शबाज बाऊ अख्तर, MDTV के CEO राणा दिलशाद नवाज समेत ताजर वकला समाजी साफ़ती रहनुमाओं की शिरकत। 12 रबी अव्वल के सिलसिले में हजूर अनवर सरवर कुनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारक मौका पर मिस्री शाह लोहा मार्केट की तारीख का पहला अजीम शान तारीख साज जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह परवर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां। जिसने मदीने जाना कर लो तैयार। गलियां
सदारत चौधरी आमर सदीक ने की। पूरे मिस्री शाह लोहा मार्केट को बैनरों, फ्लैक्स और झंडियों से दुल्हन की तरह सजाया गया। रात को रंग बिरंगी लाइटों, फनूस, कुमकुमों से खूबसूरती से चरागा किया गया। महफिल मिलाद पाक के लिए मिलाद चौक फैज कांटा के पास बहुत बड़ा खसूसी स्टेज तैयार किया गया था। तकरीब में 5,000 से ज्यादा अफराद के बैठने के लिए इंतजाम किया गया। नमाज जोहर के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। मरूफ सनाख्वा हजरत ने हदिया नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। महफिल सभा में मते खान मोहम्मद जमील और हमनवाओं ने आरफाना कलाम पेश किया। 10,000 अफराद के लिए स्पेशल मुस्तफाई लंगर का अहतमाम था। बजरिया कुरानदाजी 11 खुश नसीब मजदूरों को उम्रे का मुकम्मल पैकेज बमा 25,000 रुपए भी दिए गए। तकरीब में सूबाई वजीर मुश्तबा शजाउर रहमान, मोहम्मद परवेज मलक MNA, रुकन सूबाई असम्बली गुजाली सलीम भट्ट, चौधरी शबाज, वाइस चेयरमैन वासा बाऊ अख्तर अली, मुस्लिम लीग नून ट्रेडर्स विंग के रहनुमा अंजम महमूद भट्ट, MDTV के CEO राना दिलशाद नवाज, शाहिद नज़ीर, मियाँ उस्मान, मेहर यूनस, मेहर शौकत, लाला यूसुफ खान, चौधरी सलमान आमिर, चौधरी उस्मान आमिर, चौधरी मोहम्मद फारूक, लाला अब्दुल रजाक, इनामुल हक भट्ट, हाफिज बासित चौधरी, चौधरी बशीर कंबो, हाजी जमील, आसम शफी, लाला यूनस खान, शेख मोहम्मद यूसुफ, सैयद परवेज शाह जैदी, बाऊ जावेद नसीर, मेहर अमीन, एजाज अहमद, जुल्फकार अली आकाश समेत हज़ारों आशकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तकरीब रात गए तक जारी रही। मैं लोहा मार्केट मिस्री शाह में महफिल मिलाद के इनकार पे तशरीफ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को दिल की था गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। और आज मैं किसी मेहमान खसूसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे लिए तमाम लोग आज मेहमान खसूसी हैं। वो आधा घंटा 15 मिनट जो है मिलाद किया और यही अल्लाह ताला के हजूर हमने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह पाक हमें तू तौफीक अता फरमा, हम इस चौक का नाम मिलाद चौक रखें। वो हमने रख भी दिया, तख्ती भी उसकी लगा दी और ये दुआ की कि या अल्लाह पाक आप मेहरबानी फरमाएं और हम अगले साल 12 रबीउल अव्वल पे
یہاں پہ میلاد کروائیں، خیرات کریں اور عمرے کے ٹکٹس دیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا بھی سن لی اور قبول کی۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، دیکھیں یہ دنیا کا نظام ہے، جو کل تھے وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوں گے، نہ جانے کون لوگ ہوں، کون سی دنیا، اللہ کا نظام یہ چلتا رہے گا۔ تو میں آپ سے بھی یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں اللہ کے حضور کے آنے والے سال، آج کے سال بعد اللہ تعالیٰ خیر خیریت رکھے اور اس میلاد کو ہم دگنی چگنی جو ہے دگنا چگنا کر کے ملانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ 10 کی بجائے 25 عمرے کے ٹکٹ اور 25 جو پیکج ہیں وہ اگلے سال دیں۔ تو یہ آپ نے دعا فرما دی ہمارے لیے۔ نعرہ تکبیر اللہ محفل پاک کو یا اللہ ہم سب کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا، دونوں جہانوں کی خوشحالی ہم سب کو شکریہ ادا کرنے والی نصیب فرما، ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کے امتحانوں سے بچا، ہر طرح کے دہشت گردوں سے بچا، ہر طرح کے ملک دشمنوں سے بچا، ہر طرح کے منافقوں سے بچا، پاکستان کی حفاظت